हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू पी के बी एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, IAR AIEE 8 2020, यानी कि दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो एग्ज़ाम होता है BSc और MSc एग्रीकल्चर के लिए सेंटर का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि पूरे इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, यानी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड डेट और रिजल्ट डेट, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक को विजिट करना है और लिंक को आप ओपन करोगे तो आपके सामने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इंपॉर्टेंट जितनी भी डेट्स है वो आपको मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसको ज़रूर विजिट करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपको बता देता हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ी यानी कि फ़ी स्ट्रक्चर, UGPG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको जो है कंटेंट बता दिया है, अब हम स्क्रॉल डाउन करके इसकी डिटेल्स जो है वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शन, सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन वो दी गई है। इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं सीधा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है एग्ज़ाम की उसके ऊपर आता हूँ। तो दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च 2020 से शुरू होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 मार्च तक जो है वो एंड हो जाएगी, यानी कि 1 मार्च से 31 मार्च तक आपको इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है। और किस तरह से अप्लाई होगा वो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। फिर बात आती है दोस्तों, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, आपको पता है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो या कहीं दुकान पर आप फॉर्म अप्लाई करवाने जाते हो तो आपको एक प्रिंट आउट वो निकाल कर देता है, उसको आपको सबमिट करना होता है। किस तरह से करना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा डीपली बात में बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताऊँगा तो आपको जो है ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड की डेट है वो 25 अप्रैल है और 1 जून को इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट से पहले पहले आपको बहुत सारी जो है ICR के ऊपर वीडियोस इस चैनल पर मिलेगी, जिसके अंदर फुल डिटेल, ऑफिशियल जितनी भी डिटेल्स होगी वो आपको बता दी जाएगी, यानी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। फिर दोस्तों, रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि 15 जून को इसका रिजल्ट आएगा। और काउंसलिंग जो होती है दोस्तों, वो 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई, यानी कि काउंसलिंग जो है वो दोस्तों 2-3 बार की जाती है, तो वो 1st वीक एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई, ये मतलब ज़्यादा लंबी टाइम तक चलती है। तो 2 वीक दो आपको बताई गई, जुलाई के अंदर इसकी काउंसलिंग हो जाएगी, 1st 2 वीक्स ऑफ जुलाई के अंदर अंदर। फिर दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म की इंस्ट्रक्शन दी गई है, कुछ पेमेंट्स किस तरह से करनी है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मैं आपको जब फॉर्म भरूँगा तो आपको डिटेल्स ये बता दूंगा, यानी कि फॉर्म किस तरह से भरना है। आप घर बैठे अपना फॉर्म भी भर पाओगे, वो आपको मैं जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी तब बता दूंगा। फिर दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस स्ट्रक्चर, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए है दोस्तों, जनरल OBC के लिए 500 रुपये है और ST SC PC के लिए 250 रुपये है। और फॉर PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोस्तों, जनरल OBC UPS के लिए 600 रुपये और ST SC PC के लिए 300 रुपये। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अब एडमिशन ओपन, ये मैंने यहाँ पे बीच में सेपरेट आर्टिकल्स जो हमारी वेबसाइट पर डाले गए हैं, VLDA, BBSC, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ICAR यानी कि जिसके बारे में बात कर ही रहे हैं, जेम और CU सेट, यानी कि MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक्स दिए गए हैं। इनका अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इनकी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो क्लिक हेयर पर आप क्लिक करके डिटेल्स जो है वो जान सकते हैं। फिर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ICAR AIEE 8 2020 एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम जब वो NTA कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, तो एग्ज़ाम का मोड मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन होगा। और सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स। टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों मोड के अंदर क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, 180 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर होंगे, सारे होंगे मल्टीपल चॉइस। 720 नंबर का ये पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, जो यहाँ पर दी हुई है वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, आप टोटल क्वेश्चन जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 160 क्वेश्चन होंगे और 650 नंबर का यह पेपर होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी होगी।
और सिलेबस दोस्तों आप यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हैं यूजी और पीजी दोनों के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिंक को विजिट करके। दोस्तों आपको बड़ी बड़ी जितनी भी डिटेल्स थी वो इस वीडियो के अंदर बता दी गई है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके डाउट को जल्द से जल्द हम जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके कमेंट का बहुत जल्द हम रिप्लाई भी करेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और भी इसकी डिटेल्स या अदर एग्ज़ाम्स की डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको जो है उस एग्ज़ाम की पूरी डिटेल्स और आपकी जो जितनी भी डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएं। और दोस्तों अगर किसी और एग्ज़ाम के बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर दोस्तों मैं आपको कहता हूँ लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई। अगर नहीं पसंद आई यानी कि आपके मन में कोई डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।